सो हाई एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास 7.1, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है। और इससे पिछले जो हमारे लेक्चर हैं वो आपके टॉप 10 क्लासेस के फाउंडर अंकित पाठक सर के द्वारा आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और जाकर आप वहां से क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जो सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न एनसीईआरटी के एक तरफ से आपको सॉल्व कराए गए हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है और आपको कोई समझ में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा अभ्यास 7 है, निर्देशांक ज्यामिति है। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग कक्षा 9 में हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ अध्ययन किए थे। और उससे आगे चलकर हमारा जो अभ्यास 7.1 है, कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हमसे क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच की बिंदुओं की दूरी पूछता है। इसमें दो वस्तुओं के बीच के बिंदुओं की दूरी पूछता है। आइए हम लोग इनके बारे में, सबसे पहला जो सूत्र है, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। जो दो बिंदु होते हैं, माना जैसे हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, ए बिंदु है ए और एक बिंदु है पी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमसे क्या पूछ ले, दूरी पूछ ले। और उनका जो हमारा ए है उसका कुछ निर्देशांक दिया रहे और बी का भी कुछ निर्देशांक दिया रहे। जैसे ए का निर्देशांक मान लिया हमने X1 और क्या है और Y1 है, और बी का निर्देशांक हमने मान लिया X2 और Y2 दिया है, और इनके बीच की दूरी पूछ ले। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनके बीच की दूरी होती है उसको हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। तो अब दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी पूछ रहा है, तो D इज लेस देन हमारा हो जाएगा, डी इज लेस देन हमारे हो जाएगा, जो हमारा दिया गया बिंदु ए का निर्देश है और बी का निर्देश हो जाएगा अंडर रूट X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। इसी पर हमारा जो अभ्यास 7.1 है, वह जो हमारे सारे सवाल हैं इसी पर क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, यही जो हमारा एक सूत्र है इसी को आप लोग याद कीजिए, और इसी की सहायता से हम लोग जो अभ्यास 7.1 हमारा प्रश्नावली है, उसके सारे सवाल जो हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आइए हम लोग अभ्यास 7.1 की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो अभ्यास 7.1 का जो हमारा पहला सवाल है वह क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमारा बिंदु दिया है, ए दिया है और बी दिया है, आपको आप क्या कीजिए, प्रश्न को पढ़िए और आइए हम लोग उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो पहला हमारा है, पहले में भी तीन सवाल दिया है। जो पहला दिया है हमारा वह दिया है 2,3 और दिया है 4,1, और कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का हम लोग सूत्र जानते हैं, होता है डी बराबर अंडर रूट X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा सूत्र होता है। और जो हमारा दिया गया है निर्देश, इसको हम लोग मान लेते हैं ए निर्देश दिया है 2,3, तो हमारा जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा X1 का जो निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा 2 और Y1 का जो निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा 3। तथा दूसरा बिंदु हमारा दिया है 4,1, दूसरा बिंदु मान लिया हमने B है और जिसका निर्देश दिया है 4,1, तो हमारा यहाँ पर X2 जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 4, जो हमारा X2 है वह हो जाएगा 4 और Y2 बराबर हमारा हो जाएगा 1। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दिए गए सूत्र है उसमें क्या करते हैं, इसको रखते हैं और रखने के पश्चात क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है, X2 को पहले रख लेते हैं, तो D बराबर हो जाएगा अंडर रूट X2 का मान हम लोगों को कितना मिला है 4 माइनस X1 का मान है 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई टू का मान है एक और वाई वन चिन्ह में माइनस है तो माइनस, और वाई वन का मान है 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट। 4 में से 2 घटा देते हैं तो बच जाता है हमारा 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है -2। 3 में से 1 घटा देते तो हमारा बच जाता है -2। अब -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, अब इन दोनों का वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस -2 का वर्ग करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4, और माइनस है तो माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, और 4 4 क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं कि हमारा हो जाता है 8। अब क्या करेंगे, जो हमारा 8 है 8 का क्या करेंगे हम लोग वर्ग निकालेंगे, तो इसका वर्ग निकालेंगे हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 का देख रहे हैं 3 जोड़ा बन रहा है, तो जो जोड़ा बन रहा है उसको क्या करते हैं करड़ी से बाहर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो जो डी हमारा है डी बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। और जो हमारा दूरी का निर्देशांक में जो दूरी का मात्रक होता है वो हमारा होता है इकाई, क्या होता है इकाई होता है, तो हम लोग इसका हमारा जो डी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यह हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो दूसरे का हमारा निर्देशांक दिया है -5.7, फिर दूसरे कोष्टक में दिया है -1.3 दिया है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसके बीच की बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका जो डी बराबर फार्मूला होता है हम लोगों को पता है, डी बराबर हमारा होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब यह हम लोगों को फार्मूला पता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं सबसे पहले इसका निर्देश ज्ञात कर लेते हैं, तो x1 बराबर हो जाएगा -5 और y1 बराबर हो जाएगा 7, फिर x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अब हम लोग इसको फार्मूला में रख देते हैं, तो डी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है अंडर रूट x2 - x1, तो रख देते हैं, तो देखो यह हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान है -1, फिर -x1 का मान है हमारा -5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है हमारा 3 माइनस, और y1 का मान हमारा है 7, तो 7 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करके अब इसको अंदर को जोड़ घटा लेते हैं, तो जोड़ घटा लेते हैं आइए अंडर रूट यह -1 है -1 माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस अब क्या करेंगे 7 है 7 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा -4 का होल स्क्वायर अब फिर क्या करते हैं इसको कर ले घटा लेते हैं 5 में से 1 घटा लेते हैं तो हमारा बच जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा माइनस, तो यह प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं -4 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो माइनस का 4 का स्क्वायर कर लेंगे 4 चौका हो जाएगा 16। अब इसका भी 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 4 चौके 16 प्लस 16, तो 16 को 16 में जोड़ लेते हैं 16 16 हमारा हो जाता है 32। अब 32 का क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर का गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड आइए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 4 चौके 16 और 16 दूना 32, 4 चौके 16 16 दूना 32। अब देख रहे हैं यहां पर हमारा 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 कोष्टक के बाहर लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया हमारा 4 अंडर रूट 2 इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल और दूसरा सवाल दिया हुआ था वह दोनों सवाल हमारे क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। आप क्या कीजिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के पश्चात क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है आइए हम लोग उसको हल करते हैं। तो हमारा तीसरा जो सवाल है पहले का तीसरा सवाल वह आपको क्या कर रहा है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह कह रहा है तीसरा सवाल a कामा b फिर कामा
माइनस ए कामा माइनस बी दूसरे कोष्टक में, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, क्या कर रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं पी, तो ए कामा बी है और दूसरा जो बिंदु है वह माइनस ए कामा माइनस बी है, तो हम लोग इसका निर्देश निकालते हैं। पी का जो निर्देश यक्स वन हो जाएगा वह हो जाएगा ए, और वाई वन जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। फिर क्या करेंगे, दूसरा निर्देश निकालेंगे, इसको मान लिए पी, इसको मान लेते हैं क्यू, तो हो जाएगा माइनस ए कामा माइनस बी, तो यहां पर हो जाएगा हमारा यक्स टू बराबर माइनस ए और वाई टू बराबर हो जाएगा माइनस बी। अब हम लोगों को दूरी का सूत्र पता है, जो हमारा दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो आइए हम लोग हल कर लेते हैं। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू का मान हमारा दिया है माइनस ए, फिर माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान दिया है ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू का मान दिया है हमारा माइनस बी। अब हम लोग सूत्र में जानते हैं, सूत्र में होता है माइनस एक्स वाई टू माइनस वाई वन, तो माइनस वाई वन का मान दिया है बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे, यह माइनस ए है यह माइनस ए है, ए हो जाएगा हमारा माइनस दो ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी हो जाएंगे माइनस दो बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, माइनस दो ए का होल स्क्वायर है, अब इसका भी गुणा दो बार कर देते हैं, तो दो दूना हमारा हो जाएगा चार ए का होल स्क्वायर प्लस दो, माइनस दो भी है तो दो बी का क्या करेंगे स्क्वायर है, तो दो बार गुणा करेंगे, दो दूना हमारा हो जाएगा चार बी स्क्वायर। और जो हमारा यह माइनस है, तो हम लोग जानते हैं जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस गुणे माइनस बराबर हमारा हो जाता है प्लस, और इसी प्रकार ये भी प्लस हो गया। तो और यहां पर अब क्या करेंगे, देखो चार ए स्क्वायर है और प्लस चार बी स्क्वायर है, तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कुछ हमारा कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं चार को कॉमन कर लेते हैं, यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख रहे हैं जो चार है ना वह दो का वर्गमूल होता है, जो चार है वह दो का वर्गमूल होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं करड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, क्या हमारा हो जाएगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल दिया गया था, वो पहले सवाल के जो तीन सवाल थे वो तीनों सवाल क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, इसका वीडियो को पास कीजिए, और वीडियो को पास करने के बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, बिंदुओं जीरो कामा जीरो और 36,15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदुओं जीरो कामा जीरो और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और बताइए जो दोनों शहर हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी कितनी है। तो आइए हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। जो कह रहा हमारा जो निर्देश दिया है, सबसे पहले वह बिंदु ए मान लिया हमें दिया है जीरो कामा जीरो, जो हमारा निर्देश दिया है एक शहर ए है और एक शहर क्या है बी है, जो हमारा ए की दूरी, ए का निर्देश है वह जीरो कामा जीरो है, और जो बी का निर्देश है हमारा वह हमारा है 36,15, 36,15 है। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो दोनों शहर हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। जो हमारा ए है, जो हमारा ए है और जो हमारा बी है, सबसे पहले हम लोग इसको निर्देशित करते हैं। तो जो हमारा ए का निर्देश हो जाएगा वह दिया है जीरो कामा जीरो, तो हमारा एक्स वन का जो मान आएगा वह हो जाएगा जीरो, और जो वाई वन का निर्देश हो जाएगा वह भी हो जाएगा जीरो। फिर हमारा बी निर्देश दिया है, बी निर्देश का हमारा दिया है 36,15, तो हमारा जो इसका एक्स टू का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा 36, और जो वाई टू का है निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा 15। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो d बराबर हम लोग रख देते हैं, d बराबर अंडर रूट, हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू का, हमारा मान दिया है कितना है 36 दिया है, 36 माइनस यक्स वन का मान हमारा दिया है 0 का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान हमारा दिया है 15 माइनस वाई वन का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर। बराबर हम लोग फिर आगे हल करते हैं, तो 36 में से 0 घटाएंगे तो हम लोगों को 36 का होल स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का होल स्क्वायर। तो भाई हम लोग अब क्या करते हैं, 36 है, 36 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है, तो 36 का वर्ग हो जाएगा 1296, प्लस 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 में हो जाएगा 225, 15 15 में 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 5 हमारा हो जाएगा 11, 11 का एक हासिल लगा एक, 9 2 11, 11 एक हासिल था 12, 12 का दो हो गया और हासिल लगा एक, 2 2 4 एक 5 हो गया, फिर एक है तो एक, तो हमारा आ गया 1521, 1521। जो 1521 है अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यह हो जाएगा 39 का, 39 का गुणा 39 में करेंगे तो हम लोग क्या होगा 3521 आ जाएगा। तो इसका हम लोग क्या किए, गुणनखंड कर लेते हैं तो 39 गुणे 39 आ जाता है। तो फिर अब 39 है, 39 का जोड़ा बन रहा है तो इसके जोड़े के रूप में हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 39 मात्रक, 39 मात्रक। इस प्रकार हमारा जो दूसरा दिया गया सवाल है वह क्या हो जाता है, हल हो जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के पश्चात इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आइए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2.11 संरेखी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो संरेखी का मतलब होता है कि जो हमारा बिंदु दिया गया है तीनों बिंदु क्या हुआ, आपस में बराबर हैं कि नहीं। जो हमारे दिए गए बिंदु हैं वह पूछ रहा है आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो उसको हम लोग बिना हल किए तो बता नहीं सकते हैं। आइए सबसे पहले जो हमारा निर्देश दिया है, माना हमारा जो निर्देश पहला है P है, फिर दूसरा मान लिया हमने Q है और तीसरा हम लोगों ने मान लिया R है। जो हमारा P का निर्देश है वह दिया हुआ है हमारा 1.5, फिर हमारा Q का निर्देश दिया गया है 2.3, फिर हमारा तीसरा R का निर्देश दिया गया है -2.11। और कह रहा है ये जो दी गए तीनों बिंदु हैं क्या ये आपस में संरेख हैं कि नहीं। संरेख का मतलब होता है एक दूसरे से समान दूरी पर, एक दूसरे से समान दूरी पर। तो हम लोग एक दूसरे से समान दूरी पर कब होंगे, जब जो हमारा PQ है और जो QR है वह आपस में बराबर होंगे। जो PQ की दूरी है और जो QR की दूरी है जब यह आपस में बराबर होगी तो हम लोग कहेंगे कि यह दिया गया जो बिंदु है वह संरेख है। अगर यह बराबर नहीं होगी तो हम बताएंगे यह दिया गया रेखा क्या है, संरेख है नहीं है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी को दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQ की बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा जो P का निर्देश है वह दिया है 1.5, तो हमारा जो X1 हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और जो हमारा Y1 हो जाएगा वह हो जाएगा 5। फिर जो हमारा Q का निर्देश दिया है वह हो जाएगा 2.3 है, तो X2 का जो निर्देश हो जाएगा वह 2 हो जाएगा और Y2 का निर्देश क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और D बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, जो दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, रख देते हैं अपने फार्मूला में। तो X2 का मान हमारा दिया गया है 2 माइनस X1 का मान दिया है 1 का होल स्क्वायर
y2 का मान दिया है 3 माइनस y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, दो में से एक घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटा देते हैं तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस 2 का गुणा क्या करेंगे दो बार करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, तो 4 में 1 को जोड़ लेते हैं तो 4 1 क्या हो जाता है 5 मात्रक, जो इसका इकाई होता है वह क्या होता है मात्रक होता है। फिर हम लोग क्या किए, हमने पी क्यू को दूरी निकाल लिया, अब हम लोग क्या करते हैं क्यू से आर की दूरी निकाल लेते हैं, क्यू आर बराबर क्यू आर से दूरी हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं, तो क्यू आर से निकालते हैं तो जो हमारा क्यू का निर्देश दिया गया है वह दिया है 2, 3 और हम लोगों को यहां पर निर्देश हो जाएगा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और फिर इसके बाद हमारा r का निर्देश दिया गया है -2, -11 तो हमारा जो x2 का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा -2 और y2 का जो निर्देश हो जाएगा -11। अब हम लोग क्या करते हैं दूरी का सूत्र जानते हैं, d बराबर हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं इसी फार्मूला में रख देते हैं तो d बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान हमारा दिया गया है -2, फिर सूत्र में हम लोग जानते हैं माइनस होता है माइनस x1 का मान दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा दिया है -11 तो -11 फिर माइनस y1 तो माइनस रखते हैं और y1 का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 में -13 को -3 को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 14 का गुणा दो बार करेंगे 14 14 में हो जाएगा 196 हो जाएगा 196। अब इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं तो 6 6 हो जाएगा 12 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर इसके बाद हमारा है 9 1 10 हासिल 1 था 11 हो जाएगा, फिर 1 यहां पर है 1 तो इसका आ गया 112 मात्रक 112 मात्रक। तो हमने देखा जो हमारा PQ है और जो हमारा QR है वह आपस में बराबर नहीं है, जो हमारा PQ है और जो हमारा QR है वह आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा दिए गए तीनों बिंदु है वह संरेख नहीं होंगे, जो दिए गए तो लिख सकते हैं अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या है संरेख नहीं है। अगर यही जो हमारी बीच की दोनों की दूरी थी वही समान आ जाती तो हमारा का जो दिया गया निर्देश का बिंदु था वह क्या हो जाता संरेख हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, जो उसकी दो भुजाएं हैं वह क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और एक भुजा होती है जो असमान होती है, एक भुजा असमान होती है और दो भुजा समान होती है उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
तो कह रहा है हमारा सवाल में, जो चौथा सवाल है हमारा, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निर्देश दिया है हमारा, इसको मान लिया ए, दिया गया है कुछ इस प्रकार से, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो निर्देश है 5, -2 और जो बी का निर्देश है वह 6, -4 और जो सी का निर्देश है वह 7, -2, 7, -2 निर्देश दिया है और कह रहा है एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करने से पहले हमने आपको जो बताया कि जो यह कह रहा है सम द्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, तो सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजा उसके समान होने चाहिए। तो हम लोग हल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे ए बी से, तो जो हमारा ए का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा, निर्देश दिया है 5, -2, तो एक्स वन बराबर हमारा हो जाएगा 5 और वाई वन बराबर हो जाएगा -2। फिर बी का निर्देश हमारा है 6, -4, तो ये हमारा जो एक्स टू का निर्देश हो जाएगा वह हो जाएगा 6 और वाई टू का निर्देश हो जाएगा 4। और हम लोग d बराबर सूत्र जानते हैं बीच की दूरी निकालने का, d बराबर अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हम लोग हल कर लेते हैं, बराबर अंडर रूट यक्स टू का हमारा जो मान दिया है वह है हमारा 6, यक्स वन का मान है हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान हमारा है 4 और वाई वन का मान हमारा -2 का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं, अंडर रूट 6 में से 5 घटा देते हैं तो बच जाता है 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है अंदर 4 है, माइनस गुड़े माइनस बराबर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब 1 का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अब 4 में 2 को जोड़ देते हैं, 4 2 हमारा हो जाता है 6 और 6 का स्क्वायर कर लेते हैं 6 6 के हो जाता है 36, तो हो जाएगा 1 और 36 हो जाएगा अंडर रूट 37 मात्रक, अंडर रूट 37 मात्रक, यह हमारा दूरी हो गया ए बी के बीच का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बी सी की बीच की दूरी निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे बीसी की बीच की दूरी निकालते हैं, तो आइए हम लोग बीसी की बीच की भी दूरी क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो जो बीसी की बीच की दूरी है बीसी से तो जो बी का निर्देश दिया है वह दिया है 6, 4, तो हमारा जो यहां पर एक्स वन हो जाएगा 6 और वाई वन हो जाएगा हमारा कितना 4। फिर हमारा दिया है सी का निर्देश, वह दिया है 7, -2, तो यक्स टू बराबर हो जाएगा 7 और वाई टू बराबर हो जाएगा -2। अब क्या करते हैं इसके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा इसके बीच का दूरी डी बराबर अंडर रूट यक्स टू, यक्स टू का मान दिया है हमारा कितना 7 माइनस यक्स वन का मान है हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान हमारा दिया है -2, फिर माइनस वाई वन का मान हमारा दिया है 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 में से 6 घटा देते हैं तो बचता है 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 ए है -4 ए है तो -6 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है 1 प्लस -6 का गुणा 2 बार करते हैं 6 6 क्या हो जाता है 36, 6 6 के 36 हो जाता है, तो 36 में 1 जोड़ देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है अंडर रूट 37 मात्रक, अंडर रूट 37 मात्रक मिल जाता है। तो आप लोग यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि जो कह रहा है सवाल में कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो आप लोग अब देख सकते हैं जो हम लोगों ने बताया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं,
जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो हमने ए बी और बी सी की बीच की दूरी निकाला, जो ए बी और बी सी की बीच की दूरी निकाला, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग कहेंगे ए बी बराबर बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि इनकी दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार आपका जो चौथा सवाल है वह कंप्लीट होता है। अब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के पश्चात क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा जो आगे के सवाल है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल जस्ट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।